नमस्कार, 89.6 FM सीकर से मैं हूं आरजे संदीप। तो दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूं कि राज्य सरकार की जो स्कीम है महंगाई राहत कैंप, उसके तहत हमारे सीकर में भी बहुत शानदार वाला कैंप लगा हुआ है। और यह कैंप लगा हुआ है पंवार पेट्रोल पंप के बिल्कुल जस्ट पीछे। महंगाई राहत कैंप भी हमारे सीकर में अव्वल रहा है और कैंप में बहुत भीड़ है और लोगों में बहुत ज़्यादा उत्साह है। मैं आप सभी को बता दूं कि महंगाई राहत कैंप के दौरान जिस प्रकार की व्यवस्था हमारे नगर परिषद ने की है वह आप देख ही रहे हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि सीकर में हमारे महंगाई राहत कैंप लगा हुआ है और उसी के तहत हम जानकारी लेते हैं हमारे सभापति जीवन खां साहब से। तो नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार सर। प्रशासन शहरों के अभियान के बाद में अव्वल रहने के बाद में हमारा जो सीकर है वह महंगाई राहत कैंप में भी अव्वल रहा है, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई सर। शुक्रिया सर। महंगाई राहत कैंप में बहुत से लाभार्थी आ रहे हैं और लाभ ले रहे हैं, और जैसा कि देखा गया कि दो तीन दिन पहले दो तीन ही यहाँ पर काउंटर लगे थे और अब आपकी सुविधा अनुसार आपने 8 काउंटर यहाँ पर लगाए हैं। हमारे सीकर के विधायक श्रीमान राजेंद्र जी पारी, इस महंगाई राहत कैंप के बारे में आप हमारे सीकर वासियों को क्या कहना चाहेंगे? माननीय मुख्यमंत्री मोदी की जो फ्लेक्सिब योजनाएँ हैं, खासतौर से जो सामाजिक सरोकारों से जुड़ी हुई है, सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी हुई है, माननीय मुख्यमंत्री मोदी का अपना एक व्यक्तिगत सोच है और ये सोच महात्मा गांधी से उनको जो जीवन शैली की जो सीख मिली हुई है उसके माध्यम से है। ये समाज में जो अंतिम छोर पे जो व्यक्ति बैठा हुआ है वो लाभान्वित हो, मुख्यमंत्री मोदी ने ये सुनिश्चित करने की ये योजना लागू की है। हर वो व्यक्ति जो ज़रूरतमंद है उसको इन योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए, और इसके लिए उन्होंने पाबंद किया है। राज्य सरकार के स्तर पर राहत कैंप लगे हैं, इन कैंपों के माध्यम से 24 अप्रैल से लेकर के 30 जून तक इन कैंपों के माध्यम से हर वार्ड में जो ज़रूरतमंद है उसको हमारे पास आना नहीं पड़ेगा, हम उस ज़रूरतमंद के घर के नज़दीक जा रहे हैं ताकि वहां आकर के वो इन कैंपों के माध्यम से अपनी जो भी जो राज्य सरकार की योजना है, जो ज़रूरतमंद है, जो आदमी जो उसका पात्र है, उन पात्रता के आधार पर जो है उन योजनाओं का लाभ ले। कल माननीय मुख्यमंत्री मोदी स्वयं जो है इस कैंप को विजिट कर रहे हैं, तो हमारे लिए भी एक बड़ा अवसर है। माननीय मुख्यमंत्री मोदी आकर के उनकी जो फ्लेक्सिब योजनाएं हैं उनका क्रियान्वयन किस द्रुत गति से हो रहा है, यहाँ माननीय चेयरमैन साहब भी खड़े हैं, हमारे कमिश्नर साहब भी खड़े हुए हैं, हमारे सारे पार्षद बंधु भी यहीं खड़े हुए हैं। हम चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री मोदी के जो स्कीम जो है उसको हम एक शानदार तरीके से जो है इम्प्लीमेंट करें और आम जन तक हम ये राहत पहुँचाए, हमारा यही एजेंडा है। तो अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं महंगाई राहत कैंप में हमारे सीकर नगर परिषद के आयुक्त शशिकांत जी शर्मा। तो नमस्कार सर। ये महंगाई राहत जो कैंप है वो यहाँ आयोजित किए जा रहे हैं और हमारी टीम पूरी मुस्तैदी से लगी हुई है, पूरा काम सिस्टमेटिक कर रखा है। धूप छाया, धूप से बचने के लिए छाया की हवा के लिए कूलर लगा रखे हैं, टोकन सिस्टम आप देख रहे हो, काफ़ी अच्छी व्यवस्था है। और हमारे यहाँ इंचार्ज हैं महेश योगी जी, इन्होंने बहुत अच्छी व्यवस्था यहाँ संभाल रखा है मोर्चा इसको, और जैसे जैसे भी कोई भी किसी प्रकार की प्रॉब्लम आ रही है उसको हम टैकल करने का प्रयास कर रहे हैं। और आप देख रहे होंगे कि काउंटरों पर बिल्कुल कोई भीड़ नहीं है, किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं है और बड़ी मुस्तैदी से ये काम चल रहा है। और आगे भी हम यही उम्मीद करेंगे और अपील करेंगे पब्लिक से कि आपको हड़बड़ाहट करने की जरूरत नहीं है, आराम से आइए। 89.6 FM सीकर, शहर की धड़कन।